बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग एंड किचन। कैसे हैं व्यूवर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। और मेरे देखने वाले प्यारे प्यारे व्यूवर्स कैसे हैं? तो आज मैं बना रही हूँ मकरोनी। ये वाली मकरोनी मैंने ली है, आप कोई सी भी शेप में मकरोनी ले सकते हैं। एक प्लेट भर के, मतलब ये वाला एक प्याला भर के ली है मकरोनी। और सब्जियाँ वाली बनाऊँगी, इसमें मैं चिकन शामिल नहीं करूँगी। तो सारी सब्ज़ियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। एक कप गाजर है ग्रेट की हुई, बीक भी शिमला मिर्च है, एक अभी बंद गोभी वो भी ग्रेट कर ली है, थोड़े से मटर के दाने, आलू हैं, प्याज है एक, थोड़ी सब्ज़ मिर्च है, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और सोया सॉस, चिल्ली सॉस, और सिरका है, केचप है, मोइनीस, और चिकन। गीज़र मकरोनी बॉईल करने के लिए पानी मैंने पतीली में डाल लिया। एक चम्मच इसमें मैंने ऑयल डाला और एक चम्मच ही नमक। जैसे ही पानी को बॉईल आएगा तो हम इसमें अपने मकरोनी डाल के इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। ज़्यादा नरम नहीं करना, थोड़ा सा खड़ा ही रखना है। देखें मैंने मकरोनी बॉईल कर ली है, और ये देखें तो अपने लग के लिए इतनी बॉईल करनी है, ज़्यादा नरम नहीं करनी हम। मैंने चूल्हे पर रख लिया है और चार चम्मच मैंने भर के, चार टेबल स्पून चम्मच ऑयल भी शामिल कर लिए है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जीरे की खुशबू आने लग जाएगी। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल ले, नहीं है तो ना डालें। तो फिर हम अदरक और लहसुन का पेस्ट, एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ही ईजी और यमी बन गई। तो व्यूअर्स अब ये हमारे लहसुन अदरक जो है फ्राई हो गया, तो अब हम अपना प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को भी हम हल्का सा कोटे करेंगे। तभी वो प्याज हमारे जो है वो हो चुके हैं। अभी हम अपने आलू और मटर शामिल कर देंगे और इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। बस इसमें यही मेहनत लगती है जो हमें सब्ज़ियाँ काटनी होती हैं। जब सब्ज़ियाँ कटिंग कर लें तो फौरन ही बस फ्राई करें, और मज़ेदार आपकी मकरोना पास्ती रेडी, मकरोनी सब्ज़ियों वाली मकरोनी रेडी। आलू और मटर अच्छे से पक गए हैं, छोटे हो चुके हैं। अभी हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्च शामिल करते हैं। एक टमाटर और तीन चार सब्ज़ मिर्च हैं वो डाल देंगे, साथ ही हम ग्रेट की हुई गाजर डाल देंगे। एक बड़े साइज की गाजर है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, ताकि अच्छे से ये साफ सॉफ्ट हो जाए। साथ ही हम ग्रेट की हुई बंद गोभी भी डाल देंगे।
वीवर सब्जियां जो हैं वो अच्छे से सोते हो चुकी हैं, तो अभी हम इसमें अपनी शिमला मिर्च भी ऐड कर देते हैं। कौन है जी? तो वीवर सब्जियां मेरी सारे सोते हो चुकी हैं, तो अभी हम ये सूखे मसाले शामिल कर देंगे। साथ में 2 चम्मच भर के केचप चिली सॉस वाला और 2 चम्मच ही मेयोनीज डाल देंगे। 1 मिनट बाद जी व्यूअर अभी हम अपनी मैकरोनी पास्ता जो है वो भी शामिल कर देते हैं इसमें, और इसको नीचे डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आँच को बिल्कुल स्लो कर देना इस तेल पर और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें इसको चलाना। देखो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और कलरफुल जी। तो व्यूअर अभी हम डालेंगे 2 चम्मच चिली सॉस डाला है 2 चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस के और 2 चम्मच हम सिरके के डालेंगे और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से हम चलाएंगे। हमारी मज़ेदार मैकरोनी पास्ता जो है वो रेडी है। टेस्टी सा देखेंगे जी। तो व्यूअर देखें माशाल्लाह से मेरा मैकरोनी पास्ता रेडी है। मैंने मेयोनीज और केचप के ऊपर से गार्निश किया। बहुत ही टेस्टी और यम्मी पास्ता बना है। पास्ता कह लो मैकरोनी कह लो सब्जियों वाली मैकरोनी है, बहुत ही मज़े की बनी है। चीज़ें इक्वल क्वांटिटी से मैंने डाली हैं तो बहुत ही यम्मी बनी है। आप भी ट्राई करना, आपकी भी इंशाल्लाह इसी तरह बहुत मज़े की बनेगी। ये देखिए लुक भी कितनी ज़बरदस्त आई है। और सब्ज़ियाँ मैंने ग्रेट करके इसलिए डाली थी कि अच्छे से गल जाए, और जो है मेरे हस्बैंड को इसी तरह की पसंद है तो मैंने वैसे ही बनाई हैं। आप भी ट्राई करना इंशाल्लाह आपकी भी अच्छे बनेगी। और कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक भी देना कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो अभी दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।